हेलो गाइस, आज हम लोग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम। तो देखिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से सुना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ संवैधानिक मान्यता के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, डायरेक्ट सीधे एग्जाम में डेट पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि वो किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसको अपनाया गया था और ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और इनको साहित्य के क्षेत्र में ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है हमार सोनार बांग्ला, तो वो भी किन के द्वारा लिखा गया है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है आप लोग को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह इन दोनों को अपनाया गया था, और जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, और बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। चट्टोपाध्याय और चटर्जी में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग समझते हैं कि वो चटर्जी अलग थे, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही ये है राष्ट्रीय गीत हमारा दिया था, उनकी एक पुस्तक थी आनंद मठ, वहाँ से ये जो है वंदे मातरम गीत लिया गया है। और 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, जो कि आप लोग को मालूम है कि हमारा शक संबत है। ओके, याद रखना है आप लोग को। बात करें 5 अक्टूबर 2009 में जो है हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, वो किया था डॉल्फिन को, आपको मालूम ही है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो एक बेसिक से चीज़ था जो कि संविधान द्वारा उसको मान्यता मिली थी, बाकी और भी देखते हैं किन किन को मिली हुई है। देखिए, आप एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ये आपको मालूम ही है, जिसमें 3 कलर होते हैं, नारंगी, वाइट और हमारा जो रहता है ग्रीन, और नी बीच में क्या रहता है आपका अशोक चक्र रहता है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है हमारा, वो है अशोक की लाट। देखिए, जो अशोक स्तंभ था हमारा वो पूरा नीचे तक लंबा बना हुआ है, उसके ऊपर का जो हिस्सा वाला है ना, यही हमारा क्या है, अशोक चिन्ह है। और इसमें क्या रहते हैं, 4 जो है शेर बने हुए रहते हैं इसमें, और नीचे आपको घोड़े और हाथी देखने को मिलेंगे, और बीच में जो रहता है हमारा अशोक चिन्ह, और यहीं से क्या लिया गया है, ये जो हमारे झंडे में बीच में ब्लू कलर का बना हुआ है ना, ये अशोक चिन्ह यहीं से लिया गया है। और इसमें जो कितनी होती है, 24 धारियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है ये सब लोग को मालूम है, अगर आप अभी जाके 7th क्लास या 8th क्लास या 5वीं क्लास तक के बच्चे से भी पूछोगे कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, तो वो बाघ बता देगा। लेकिन फिर आपको क्या डिफरेंस इसमें पढ़ना है, तो देखिए, इनका जो बायोनोमियल नेम होता है या जूलॉजिकल जो नेम रहता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेंथ्रा टिग्रस टिग्रस। ओके, साइंटिफिक नेम पूछे या आपसे जूलॉजिकल नेम पूछे, तो दोनों आपका यही होगा। बात करें इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा बाघ है वो टाइगर है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, किस कंजर्वेशन स्टेटस में रखा गया है, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। ओके, ये IUCN द्वारा जो स्टेटस दिया जाता है। अब यहाँ पर आप सोचते होंगे कि आखिर ये बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया, अगर ये हमारे सामने आ जाए तो ये हमें इस दुनिया में रहने ही नहीं देगा, आखिर इसको फिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, इवन हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली बंगाल टाइगर। ओके, ये बंगाल टाइगर ही है, बंगाल टाइगर को ये जो है हमारे देश में जो है उसका नेशनल जो है एनिमल बनाया गया है। तो आखिर क्यों इसको नेशनल एनिमल बनाया गया है, देखिए ये हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल किस लिए निभाते हैं, अगर आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी तो उसमें जो तृतीय उपभोक्ता है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है वो पढ़ा होगा, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो ट्रॉपिक लेवल का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, उसमें जो है हमारे यही आते हैं, टाइगर आते हैं। अगर देखिए, ट्रॉपिक लेवल का अगर ऊपर वाला हिस्सा भी गड़बड़ जाता है तो नीचे वाला भी हिस्सा भी गड़बड़ जाएगा। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए, जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसको पूरे का मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये जो टाइगर है। ओके, तो वो खाद्य श्रृंखला बनी रहे हमारी और हमारा बाकी चीजें भी ना गड़बड़ाए, इसके माध्यम से, इसलिए हम लोगों ने इसको कंजर्वेशन करने के लिए राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। तो देखिए, हम लोग नेशनल एनिमल तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है उसको हम लोग भूल जाते हैं, तो वो है हमारा हाथी। यहाँ पर आपको इसका जो स्टेटस देखना है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको भी रखा गया है, ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पूरे इंडिया में जो एलिफेंट पाए जाते हैं उनको एशियन एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, एशियन एलिफेंट ध्यान रखना, अफ्रीकन एलिफेंट नहीं कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 टाइप के एलिफेंट पाए जाते हैं, वो है अफ्रीकन एलिफेंट और दूसरे हैं एशियन एलिफेंट।
देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आप यहीं पर सुन लीजिएगा। जो एशियन एलिफेंट रहते हैं इनकी जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उनके दांत नहीं होते। लेकिन अगर आप अफ्रीकन एलिफेंट में जाएंगे तो उनकी जो मादा रहती है उनमें भी आपको दांत देखने को मिलेंगे, ओके। और उनका जो साइज रहता है ना, वो ये जो हमारे एशियन एलिफेंट है उनसे ज़्यादा रहता है। और ये जो एशियन एलिफेंट है ये आपको ठंडे प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जंगल वन में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अफ्रीका में देखिए, वहाँ पर इतने वन नहीं है, तो वो सूखे प्रदेश में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो वाले एलिफेंट। एक चीज़ और दिखाऊँ, एक डिफरेंस और है यहाँ पर, इनके जो कान है वो आपको बिल्कुल उनसे थोड़ा अलग दिखेंगे जो अफ्रीकन एलिफेंट है। लेकिन अगर आप अफ्रीकन एलिफेंट को देखेंगे तो उनके जो कान का शेप दिखेगा ना, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के शेप जैसा दिखेगा, इसलिए उसको अफ्रीकन एलिफेंट भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, आपका एलेफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है, याद रखना है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डॉल्फिन के बारे में। तो ये है जलीय जीव, हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। तो ये गंगा का डॉल्फिन, गंगा में ही रहती है ये हमारी, तो सबसे ज़्यादा फेमस यही है। और ये भी इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड स्टेटस है, इसलिए जो है इसको हमने जलीय जीव बनाए। देखिए एंडेंजर्ड कैटेगरी वाले हों या लिस्ट कंसर्न हो या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे स्पीशीज, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इनका जो अगर साइंटिफिक नाम बात करें डॉल्फिन का, तो वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ, ये जो डॉल्फिन है ये डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले सकती है, इसको हर 2 मिनट बाद क्या होता है, पानी से बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। आपने ये चीज़ हो सकता है कि नहीं पहली बार सुनी हो आप, क्योंकि ये तो जलीय जीव है तो पानी में तो इसको सांस लेना चाहिए, फिर भी पानी में सांस नहीं ले पाती। एक्चुअली हुआ क्या था, जब प्रारंभ में इसका इवोल्यूशन हो रहा था या ये इनके शरीर का निर्माण हो रहा था, तो इन्होंने भी इंसानों की तरह आगे बाहर निकलने की कोशिश करी, परंतु वहाँ का इन्वायरमेंट इनको भाया नहीं, तो इन्होंने क्या करा, जो है पानी में ही रहना सुलभ समझा, तो इसलिए पानी में रहने लगे, ओके। बात करें जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है हमारा मोर, ठीक है। तो इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, IUCN की जो है लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा गया है। और इसका जो हम लोग साइंटिफिक नेम देखें या हम लोग जूलॉजिकल नेम देखें, तो वो है आपका पाबो क्रिस्टेटस, क्या है, पाबो क्रिस्टेटस, ओके, पाबो क्रिस्टेटस, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए इसको लेके एक मिथ रहते हैं, क्या हुआ था, पहले जब इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय पक्षी, तो तब कुछ नेता लोग इसको या पॉलिटिशियन जो है वो इसको क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि जो मोर है ये जब मोर खुशी से नाचने लगता है तो उसका जो पसीना जो गिरता है तो वो मोरनी पी लेती है और इससे वो गर्भ धारण कर लेती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए जो है गर्भ धारण नहीं होता है, आपको मालूम है, तो डेफिनेटली ये मिथ है। ये इसलिए क्योंकि देखिए मैं भी कई बार क्या है, कभी कभार भागवत कथा वगैरह सुनने चले आता हूँ, तो वहाँ पर जो है ये पंडित जी लोग जो है ये इसी यही वाली कथा सुनाते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं कि जो मोर है वो बिना कॉन्टैक्ट बनाए, बिना संबंध बनाए जो है गर्भ धारण कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस मिथ में आप भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। बात करते हैं फूल के बारे में, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल, ओके। तो इसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है तो वो आपको याद रखना है, इसको बॉटनिकल नेम भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग एनिमल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से आपसे जूलॉजिकल नेम बोलेगा, लेकिन अगर हम लोग कोई भी फ्लोरा के बारे में बात करते हैं या वनस्पति के बारे में बात करते हैं, पेड़ों के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ से आपको बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ओके। वृक्ष के बारे में बात करें तो वो है हमारा बनियान ट्री यानी कि बरगद। तो इसका क्या है, इसका नाम है आपका फाइकस बैंगलेनेसिस, ओके। क्या नाम है, इसका नाम है फाइकस बैंगलेनेसिस, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, हम बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो है आपका आम, ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ओके। अब बात करें हम लोग राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो राष्ट्रीय खेल के लिए बहुत सारे मिथ हैं, आप सभी को मालूम होगा या हमको बचपन में पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, जबकि मैं आपको बता दूं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, इवन कोई भी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। देखिए इसके लिए 2012 में एक 10 साल का बच्चा था, उसने जो है RTI लगाई थी और RTI के माध्यम से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनसे पूछा गया था कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो उन्होंने बताया था हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी तो बिल्कुल नहीं है, ओके।
तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा राष्ट्रीय खेल कोई सा भी नहीं है। ओके, बात करें ऐसे ही में तो हमारा राष्ट्रीय भाषा को लेकर है। देखिए हमारे जो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। संघ की क्या है, वो राजभाषा है। राजभाषा में मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देखना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में इसके बारे में बताया गया है कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर संविधान में बात करें तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ना कि कोई एक भाषा का। ओके, बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो राष्ट्रीय वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय नदी कौन सी हमारी, राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। ओके, बात करें जो हमारा पंचांग है वो कौन सा है, वो है हमारा सक्षमबत है। इसके बाद बात करें हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है, आपको मालूम ही है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो राष्ट्रीय पेय पदार्थ है हमारा वो है चाय, जो कि 17 अप्रैल 2013 से प्रस्तापित हो गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें हमारा जो राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है वो है आपका लेक्टो बिलियस बिकिलस। बात करें हमारा जो राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है, ये आपने शायद पहली बार सुन रहे होंगे या सुना होगा आप लोगों ने, तो वो है आपका लेक्टो बेकिलस। ओके, तो बाकी का नाम थोड़ा सा देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो हमारा नेशनल रेप्टाइल है वो है किंग कोबरा, ये दिखता है आपको, मालूम ही हो इसके बारे में। इसके बाद बात करें जो नेशनल वेजिटेबल है वो है हमारी पंपकिन, इसको हम लोग मीठा कद्दू भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज से, तो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ 22 जुलाई 1947 को जो है इसको संविधान द्वारा मान्यता मिली थी, रचनाकार पिंगली वेंकैया थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1929 को जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसे पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो अब आपको बीच में अशोक चक्र दिख रहा है ना, जब यह कांग्रेस का अधिवेशन में फहराया गया था तब वो अशोक चक्र नहीं था, तब वो वहां पर क्या था, वो वहां पर चरखा था। महात्मा गांधी जी का आपने चरखा देखा होगा ना, तो वो चरखा था वहां पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें 22 जुलाई 1947 को इसको संविधानिक मान्यता मिल गई थी, और जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत हो गया था हमारा, तो यहाँ पर पहली बार जो है हमारा तिरंगा फहराया गया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आप बताऊं, जो अभिनव भारत का नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना वीर सावरकर ने करी थी, तो ये जब जर्मनी में थे वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने भिकाजी रुस्तम कामा और जो श्यामजी वर्मा थे, मदनलाल डिगरा थे, इन लोगों के साथ मिलकर भी एक झंडा फहराया था, जो कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर फैलाया गया इंडिया के तरफ से एक प्रतीक चिन्ह था, यह पहला झंडा वो था। ओके, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। अगर आप लोग झंडे की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कि हमारा झंडा कैसे डेवलप हुआ, पहले कैसे होता था, तो आपको वो झंडा बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी आपको स्क्रीन में भी इसको देख सकते हैं, जैसा कि देखिए इसको जो है पहली बार जर्मनी की असेंबली में इसको प्रेजेंट किया गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय यही अभिनव भारत के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना के बारे में, तो इसका जो वस्त्र रहता है वो खादी रहता है, और इसका रेशियो पूछा जाता है, तो 3:2 होता है, जिसमें 3 लंबाई बताता है और चौड़ाई उसमें 2 बताता है। ओके, जिसमें यहाँ से कलर से रिलेटिव कुछ चीज़ पूछ ली जाती है कि जो केसरी रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसमें अशोक चक्र बना हुआ है ना, उसको हम लोग धर्म चक्र या विधि चक्र भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, ये किसका प्रतीक है, ये निरंतर समृद्धि का प्रतीक है। ओके, बात करें इसका जो प्रारूप है, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो सारनाथ में स्थापित सिंह के जो शीर्ष पलक के चक्र है उसमें से लिया गया है, जो कि मैं आपको बताया दिया था शुरू में ही, आपका जो अशोक चिन्ह है अपना वो, तो उसी से ही जो है वो लिया गया है ये। और इसकी जो तलियां रहती हैं वो 24 रहती है। रंग किसका कैसा रहता है, गहरा नीला रहता है। ठीक है, यहाँ पर गहरा नीला लिखा है, सिर्फ नीला आप मत लिख कर आना, अगर ऑप्शन में नीला लिखा रहा है तो गहरा नीला ना लिखा रहे, नीला लिखा रहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर गहरा नीला लिखा रहे और नीला भी लिखा रहे तो आपको गहरा नीला लगा कर आना है। ओके, बात करें राष्ट्रीय गान के बारे में, जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, आपको मालूम ही है, संविधान द्वारा जो मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 को। भाषा कौन से किस भाषा में लिखा गया, तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया। रचनाकार तो वही थे, संगीत भी उन्हीं ने दिया था। पद कितने थे इसमें, पद जो है वो 5 है, और गायन की अवधि कितनी है इसमें, 52 सेकेंड है, और अगर हम लोग संक्षिप्त गायन बात करें तो उसमें 20 सेकेंड है। विशेष अवसर पर प्रथम व अंतिम पंक्ति का गायन करा जा सकता है। ओके, इसको आपके बारे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
बात करें इसके प्रयोग के बारे में तो 26 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे जो राष्ट्रीय गान का प्रथम बार यूज किया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसको मान्यता मिली गई थी। ये चीज आपको मालूम चली गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। भाषा कौन सी है इसमें? देखिए प्रथम दो पद संस्कृत में देखने को मिलेंगे, बाकी सब आपको बंगाली भाषा में देखने को मिलेंगे। रचनाकार कौन थे? वही बंकिमचंद्र चटर्जी या बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बोल दो आप लोग। ये संगीत किसने दिया था? तो वो दिया था आपके यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। गायन की अवधि कितनी है? 65 सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम प्रकाशन किसमें? आनंदमठ से ही लिया गया है जो है हमारा वंदे मातरम। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था सबसे पहले? तो वो करा था अरविंद घोष ने करा था। ओके, तो कुछ इंपोर्टेंट घटनाएं देखिए। 1882 में जो है आनंदमठ का प्रकाशन किया गया था और ये जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, लेखक थे वही बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम जो है कि आनंदमठ से ही लिया गया है। इसके बाद जो 1896 में कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार इसे गाया गया था। और बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई थी। ओके, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। और संरचना के बारे में बात करें तो मूल रूप से इसमें चार शेर होते हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए रहते हैं। इसमें एक हाथी, एक सांड और एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक आपको सींग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर और कोई भी आए आपके ऑप्शन में तो वो आपको लगाकर बिल्कुल नहीं आना है। देखिए हर पशु के बीच में जो है एक धर्म चक्र बना हुआ है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि में अंकित है और जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होती है और किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। ओके, कुछ रंगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कौन से रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो लाल रंग जो है वो राज्यसभा का प्रतीक है, हरा रंग जो है वो लोकसभा का प्रतीक है और जो नीला रंग है जो मंत्रिमंडल है, ओके, मिनिस्ट्री काउंसिल है उसका जो प्रतीक है। अगर आपको इसको देखना है तो आप राज्यसभा देख सकते हैं, राज्यसभा का चैनल भी देखोगे तो वो भी लाल कलर का देखने को मिलेगा और अगर आप लोकसभा का चैनल देखोगे तो वो भी आपको हरा कलर का दिखेगा। और जो हमारी पार्लियामेंट बैठी है, संसद बैठी है, उनमें जो उनकी कुर्सियाँ हैं, चेयर वगैरह है, वो सब आपको जो है इसी कलर के अनुसार देखने को मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रतीक है। ओके, बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में तो वह हमारा राष्ट्रीय शाक है या शक संबद्ध इसको हम लोग बोलते हैं। संविधान द्वारा मान्यता 22 मार्च 1957 को मिली थी। ओके, जो प्रारंभ में जो है ये आपका 78 ईसा पूर्व से ही जो है ये काल, ये शक संबद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। हम लोग चैत्र बैसाख वगैरह बोलते हैं ना, तो वही है हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको जानने को मिले होंगे। काफ़ी टाइम से हमने कुछ अलग नहीं पढ़ा था, आई होप आपको ये अच्छे से मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, कुछ अच्छी चीज़ जानने को मिली होंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।